Hello, my dear students. I welcome you in my class. Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do stanza three and four of the poem "An Elementary School Classroom in a Slum," composed by Sir Stephen Harold Spender. So let's start. Stanza one and two already we have done. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example with the ships and sun, and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their cramped holes, from fog to endless nights. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottles bits on stones. All of their time and space are foggy slum,

मतलब सबको रैशनल आउटलुक दिखाना एक तरह से ज्ञान देना यू कैन से लेकिन यहाँ पे इस चीज का कोई भी रेलेवेंस नहीं है रियल लाइफ इन स्लम टू डिपिक्टेड इन फोटोज सो पॉइंट कॉल्स इट विकेट यानी कि स्टूडेंट्स की जो लाइफ है जो चिल्ड्रन है एलिमेंट्री स्कूल के जो स्लम के बच्चे हैं उनसे इन चीजों का कोई भी रेलेवेंस नहीं है इसलिए पॉइंट हियर से ये जो मैप है ये भी उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग से पूरे होल वर्ल्ड को एनलाइटन किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर दीस चिल्ड्रन देर इज नो होप ऑफ एंटरिंग इन टू दैट एनलाइटन वर्ल्ड लेकिन इन बच्चों के लिए कोई भी ऐसी आशा नहीं है कि वो उस एनलाइटन वर्ल्ड में एंटर कर पाए क्योंकि इनका फ्यूचर कैसा है? Foggy, so point calls him wicked. He also called the map a bad example. Map को भी वो क्या बोलता है? Map is also a bad example because that map doesn't hold any space for these slum children. In slum children के लिए उस map में कोई भी जगह नहीं है. They can just aspire to be there but can't afford to live there. ये बच्चे सोचते हैं ये आशा करते हैं कि हमारा भी हमारी भी कोई जगह हो वहाँ पे लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते उस मैप में अपनी जगह बनाना बिकॉज दे डोंट हैव एनी मीन्स

ये जो रियल लाइफ में शिप दे वांट टू सी द Ships in their real life they want to see the bright sun and clear sky and they want love वो क्या चाहते हैं लव चाहते हैं जब उनको वो नहीं मिलता तो वो अपने आप को पर्सुएड करते हैं टेम्टिंग मतलब पर्सुएड करना अपने आप को मनाना किस चीज के लिए स्टीलिंग के लिए वो भी चाहते हैं ये सारी चीजें so they persuade them to steal they may steal or commit crime to achieve them so they are called bad example ab ye bad example isi liye hai kyunki ye sari cheeze jo wo chahte hain jab unko wo nahi milti to wo kya karte hain they commit crime तो वो crime करते हैं उनको steal करने की कोशिश करते हैं इसीलिए Shakespeare is wicked And map is a bad example. These children's lives are confined to the narrow holes of that dark slum. For lives that slowly turn in their cramped holes means कि ये जो बच्चे हैं ये किसमे रहते हैं confined मतलब सीमित हैं कहाँ पे narrow holes में नैरो होल्स किसके आपने रोडेंट्स देखे होंगे रोडेंट्स यानी कि चूहा जहाँ पे रहता है गिलहरी जहाँ पे रहती है बिल्कुल नैरो से होल्स होते हैं वो तो ये भी वहाँ पे इनसफिशिएंट स्पेस है जिस स्लम में ये रहते हैं बहुत सारे मेंबर्स जब एक साथ रहते हैं तो वो क्या हो गया नैरो होल्स उस डार्क स्लम के नैरो होल्स में देयर लाइव्स आर कन्फाइंड सीमित हैं इनकी लाइव्स इवन देयर फेट कंस्पायर देम टू बी एम्प्रेजेंट देर अब इनका जो फेट है इनका जो भाग्य है उन क्रम्प्ड होल्स में इनको रहने के लिए इनके भाग्य ने भी क्या साथ में ज्वाइन कर लिया है कंस्पायर का मीन्स होता है इनके भाग्य ने भी साथ में ज्वाइन कर लिया है किसको इनको रहने पे मजबूर कर दिया है कहाँ पे उस क्रैम्प्ड होल में यानी कि नेरो होल में सो फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट का मीन है कि एक ही चीज है इनकी लाइफ में जो कि सर्टेन है क्या चीज है जो कि निश्चित है क्या एंडलेस नाइट ऑफ देयर डेथ इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर बर्थ एंड डेथ ऑल आर इनवेलप्ड बाय डार्कनेस किस में लिपटी हुई है वो केवल डार्कनेस में so the poet says that their they live lives of uncertainty since morning to night and their condition turn from bad to worst इनकी लाइफ में uncertainty hai certainty nahi hai anishchitta hai सुबह से लेके रात तक और इनकी जो condition है वो day by day क्या होती जा रही है bad bad से भी worst बुरी से भी और ज़्यादा बुरी bad से बदतर you can say लाइव ऑफ दिज चिल्ड्रेन कंपेयर टू स्लैग हीप किस चीज से कंपेयर की है यहाँ पे स्लैग हीप से लास्ट ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम में भी आया था रेफर करता है यहाँ पे पॉइंट की हंगर स्ट्राइकन यू कैन से बॉडीज ऑफ चिल्ड्रेन एंड वो कैसी लगती है लुक लाइक हीप ऑफ गाबेज ओके, सो स्लैग हीप से क्या मतलब है यहाँ पे वेस्टेज आप कह सकते हो या हीप ऑफ गार्बेज आप कह सकते हो या हंगर स्ट्राइकन या पॉवर्टी स्ट्राइकन बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्लम में रहने वाले उन चिल्ड्रन की बॉडीज कंपेयर की गई है सो द पॉइंट

ज दर अंडर मतलब वी आर स्किन पीप्ड थ्रू पीप का मतलब होता है झांकना यानी कि उनकी बॉडीज इतनी दुबली पतली है कि उसमें हम बोन्स काउंट तक कर सकते हैं सो जो उनकी बोन्स हैं वो उनकी बॉडी से झाक रही है दे आर सो स्किनी यू कैन से बहुत ज्यादा स्किनी मतलब बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं किसकी वजह से बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट वी कैन काउंट देयर बोन्स थ्रू स्किन कि हम उनकी स्किन में से बोन्स काउंट तक कर सकते हैं इतने ज्यादा वो कुपोषित बच्चे हैं माल न्यूट्रिटेड बच्चे हैं दैट वी कैन काउंट देयर बोन्स थ्रू स्किन्स सो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास अब उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं वो किसके वो लग्जरी की वजह से नहीं है दे यूज़ स्पेक्टिकल्स नॉट फॉर लग्जरी बट बिकॉज ऑफ इट्स नेसेसिटी उनकी ज़रूरत है वो इसलिए एंड दे यूज मैंड ग्लास मैंडेड का मतलब होता है रिपेयर repair करना रिपेयर्ड ग्लास तो वो कैसे ग्लासेज यूज़ कर रखे हैं उसमें जो कि रिपेयर्ड हैं कर सकते पर उनके ग्लास कैसे हैं रिपेयर पहने हुए हैं जो कि कैसे हैं क्रैक्ड है एंड उनका फ्रेम कैसा है स्टील फ्रेम्ड है वो दे कॉन्ट अफोर्ड अ ब्रांड न्यू स्पेक्टिकल सो दे मैनेज विद रिपेयर देव अ लाइफ ऑफ हेल्थ कंफाइंड टू देयर अनसर्टेन अनहेल्दी एंड पोल्यूटेड स्लम्स अच्छा अब वो मैं वो कैसे लग रहे हैं लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स यानी कि जैसा पत्थर पे शीशा जब टूट जाता है ग्लास जब टूट जाता है तो उसपे कैसा वो बिखर जाता है इन द सेम वे उनके जो वो ग्लास है वो वैसे नजर आ रहे हैं नाउ द पॉइंट सेयर दैट ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस स्लम यानी कि जो स्लम है वो कैसी है पोल्यूटेड है वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन है एंड उनका फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है सो ब्लॉट द मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम उसके बाद पॉइंट कहते हैं यहाँ पे दे आर लाइक अ ब्लॉट ब्लॉट और स्टेन ब्लॉट यानी कि धब्बा किस में इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ यानी कि जो मैप है उस मैप में उनका जो स्लम है वो क्या है एक तरह से एक ब्लॉट की तरह है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में प्रोग्रेस सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी सिविलाइज्ड लाइफ की वहाँ पे उनकी जो स्लम है वो क्या है एक तरह से एक ब्लॉट की तरह है एक स्टेन की तरह है एक धब्बे की तरह है बड़े डिजास्टर की तरह है उनकी जो स्लम है नाउ लेट सी सम लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स सो क्या है यहां पे क्रैम्ड होल्स क्रैम्ड होल्स किसका एग्जाम्पल है मेटाफर का ओके क्रैम्ड होल्स मीन्स देर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स जिसमें मैंने आपको बताया था रोडेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं यानी कि गिलहरी या चूहे वो मैमल्स जो यूज़ करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है मेटाफर का उसके बाद लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स किसके लिए आया है वो जो रिपेयर्ड वो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं किसके लिए मैंने पहले वाले वहां भी आपको बताया था लाइक एंड एज आ जाता है तो वो क्या होती है सिमली होती है तो यहाँ पे भी ये सिमली का एग्जाम्पल है बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स उसके बाद है फ्रॉम फोग तो फ्रॉम फोग किसका एग्जाम्पल है ये रहा फ्रॉम फोग ये है एलिटरेशन कौन सी साउंड रिपीट हो रही है एफ एंड एफ स्टूडेंट्स हियर नोट्स आर गिवन फॉर यू आप इनको रीड कर सकते हैं एग्जाम टाइम में देन लिटरेरी डिवाइस इज ऑल्सो रिटर्न हियर नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break or oh break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run ajar on gold sands and let their tongues run naked into books and

एंड जो बच्चे जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इस स्लम में रह रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के जो बच्चे हैं स्लम वाले इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों ही बहुत अलग अलग वर्ल्ड यू कैन से सो पॉइट आज पीपल फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ सारे तरह के पीपल से वो रिक्वेस्ट करता है एक तरह से कहता है किन से कहता है गवर्नर से इंस्पेक्टर से बीच से एंड विजिटर से किस चीज के लिए टू कम फॉरवर्ड वो आगे आए वो एक स्टेप लें किस चीज के लिए एजुकेट करने के लिए इन चिल्ड्रन को ताकि एक जो गैप हो गया है बीच में पुअर एंड रिच के बीच में वो ये तो बहुत ही ज्यादा पुअरर सेक्शन है तो उनके बीच में जो ये गैप हो गया है ताकि वो फिल हो जाए सो द पोएट सेज हियर क्या कहते हैं पोएट कि गवर्नर इंस्पेक्टर टीचर एंड विजिटर को टू कम फॉरवर्ड कि वो आगे आए एंड एजुकेट करे इन पीपल को सो so दैट ये जो गैप है बीच का ये फिल हो सके एंड दिस मैप बिकम देर विंडो एंड दीज शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स सो यहां पे वो कहता है कि दीस पीपल मस्ट कंसिडर उनको सोचना चाहिए अबाउट द लाइव्स ऑफ दिस दिसन इन बच्चों की लाइफ के बारे में एज देयर देयर ओनली देन बी अ चेंज इन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा चेंज हो सकता है फिर वो क्या कहते हैं इनकी जो स्लम्स हैं देयर स्लम इज एन एनक्लोज स्पेस कैसा स्पेस एनक्लोज कैटाकॉम्स का मीन्स होता है बरियल प्लेस ओके दफनाने का तो वो कैसा होगा बहुत डार्क होता है सिमिट्री ओके okay? सिमिट्री आप कह सकते हैं तो वो कैसा होगा इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक ग्रेव तो वहां पे कैसा होगा सीन बहुत डार्क होगा सफोकेशन होगी तो इनकी स्लम्स जो है वो कैसी हैं बहुत ज्यादा एनक्लोज स्पेस कैसा इंटरनल पार्ट ऑफ ग्रेव यू कैन से विच इज डार्क एंड सफोकेटिंग So the urged these people, इन पीपल को कहता है टू ब्रेक थ्रू दिजरेबल एंड होपलेस कंडीशन ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन कुछ भी करके क्या करो इनकी जो कंडीशन है होपलेस कंडीशन उसको क्या करो उसको आप सुधारने की कोशिश करो इम्प्रूव करने की कोशिश करो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन तो क्या कहता है कि उन सबको दे शुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स सारे के सारे बैरियर्स जो हैं जो ऑब्स्टेकल्स हैं जिन्होंने दैट बाइंड दीज चिल्ड्रन एंड कंफाइन देम टू अगली एंड डर्टी सराउंडिंग क्या करने के लिए कहता है कि ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ दो किस चीज को सारे जो बैरियर्स हैं सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो रुकावटें आ रही हैं इनके रास्ते में एंड कन्फाइन देम टू और उनकी वजह से ये क्या है कन्फाइंड है सीमित है कहाँ पे डर्टी एंड अनहाइजीनिक एंड अगली सराउंडिंग में तो उसको तोड़ देना चाहिए एंड शो द चिल्ड्रन इन बच्चों को क्या दिखाना चाहिए ग्रीन फील्ड्स टू मेक देयर वर्ल्ड रन एज ऑन गोल्ड सेंड

नेचर एंड होप नजर आए ऐसा हमको कुछ करना चाहिए वेयर दे कैन ब्रीद इन ओपन एयर दैट इज अनलिमिटेड जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या है अनलिमिटेड ओपन स्काई है लेकिन इन चिल्ड्रन के लिए नहीं है ही also आज डेम to एजुकेट एंड लेट ओपन एंड गो वाइल्ड through pages of wisdom so that they can master them. अब उनको क्या चाहिए कि वो क्या करें इन बच्चों को educate करें कौन गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर ये सारे इन चिल्ड्रन को एजुकेट करें एंड इनका जो वर्ल्ड है वो कहां, वो भी जो वाला वर्ल्ड है वहां पे ये भी एंटर करें एंड उसमें मास्टर बन सके सो एंड ही सेज ताकि वो हिस्ट्री क्रिएट कर सके हिस्ट्री देर ओन लैंग्वेज इज द सन सो हियर ही सेज

Uh, जो इन इन पे जितनी भी uh, लादी गई है ऐसी इनइक्वालिटी और उसकी जो दीवारें हैं वो सारी टूट जाए एंड एक बेटर वर्ल्ड जो है वो हम क्रिएट कर सकें सो हियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर यू फॉर योर नोट्स यू कैन रीड इट ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम नाउ लेट सी द लिटरेरी डिवाइसेस

एंड नेचर यानि की इनका जो फोगी जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो के ये क्या ओपन नेचर को का एक्सपीरियंस लें तो क्या है यहाँ पे मेटाफर है कंपेरिजन की डिवाइस देन एनाफोरा एनाफोरा मीन्स रिपीटिड वर्ड्स इन टू कंजिकटिव लाइन्स कौन से वर्ड्स हैं रन अजर एंड रन नेकड So, students, in the next video, we will discuss all the textual question answers of this poetry. Stay connected, keep watching. Thank you so much.